हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आइडिया बिजनेस। तो गाइस, आज के वीडियो सेशन में हम लोग डीसी जनरेटर का टोटल 56 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आप लोग के आईटीआई सीबीटी एग्जाम्स के लिए या फिर आपके कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक जो भी आपके जॉब होते हैं, जो भी आपका जॉब का वैकेंसी निकलता है, दूसरी बात कि अप्रेंटिस का जो भी वैकेंसी निकलता है, उन सभी में आप लोग के लिए ये जो चैप्टर है बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है डीसी जनरेटर। यहाँ ये आप लोग जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वायरमैन ट्रेड में ये चैप्टर को आप लोग पढ़ते हैं, जहाँ की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वायरमैन इस सब में आप लोग सेकंड ईयर में जो है पहला चैप्टर ये मिलता है आप लोग को डीसी जनरेटर। और यदि जो है आपका दूसरा, यदि मैं बात करूँ सेमेस्टर सिस्टम वाले में, तो थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर जो आइए, ठीक है। तो गाइस, चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे एक एक क्वेश्चन और उसका जो क्या राइट आंसर है वो भी उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जहाँ एक्सप्लेनेशन की बात होगी वहां मैं एक्सप्लेन आप लोगों को कर दूंगा। ऐसे आप लोग को जो है फास्ट वे में इन चीजों को क्वेश्चन को मैं सारा क्वेश्चन को कवर करूंगा। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, वहां पे जाकर के आप अदर टॉपिक्स इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का या WCS का आप वो भी चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं। गाइस, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन का क्वेश्चन है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये जो है मिमी पर आधारित सारे क्वेश्चन है। आइए गाइस, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। देखिए, एक नंबर क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स इन द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा गया है, इसका भाग पूछा गया, ये क्या कहलाता है, ठीक है। तो गाइस देखिए, ये जो है आपका क्या है, कम्यूटेटर रेजर है, ठीक है, कम्यूटेटर रेजर कहलाता है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर रेजर। ओके, चलिए, कम्यूटेटर का काम क्या होता है, ये कम्यूटेटर आपका जो होता है, एक तो एसी टू डीसी का काम करता है, ठीक है। एसी जो आपका प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको डायरेक्ट करंट में, ठीक है, बदलता है, ठीक है। तो एसी टू डीसी कन्वर्शन करने के काम में कम्यूटेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात है कि यदि एसी जनरेटर्स की बात करेंगे, अल्टरनेटर्स जो होते हैं, उसमें कम्यूटेटर नहीं होकर क्या होता है, उसमें स्लिप रिंग होता है, ठीक है, क्या होता है, स्लिप रिंग्स होता है। ओके, ठीक है, तो बस यही बेसिक डिफरेंस है। यदि आप इस डीसी जनरेटर से यदि आप कम्यूटेटर को हटा करके स्लिप रिंग लगा दीजिएगा तो वो एसी जनरेटर बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को, तो यही चीज है। चलिए, और डीसी जनरेटर या फिर डीसी मोटर सेम ही कंसेप्ट पे काम करता है, दोनों में कम्यूटेटर होता है। और ब्रश क्यों होता है, कार्बन जो ब्रश होता है, ये जो दो नंबर बी ऑप्शन है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि करंट को कलेक्ट करना, जो भी करंट जनरेट हो रहा है उसको कलेक्शन करना, या फिर मोटर के केस में करंट को सप्लाई करना, किसमें, आर्मेचर में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। अब इस डीसी जनरेटर का आपसे नाम पूछा गया है, तो ये क्या है भाई, ये आपका है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, ठीक है। तो क्या होगा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड क्यों हो गया, इसलिए क्योंकि देखिए, ये एक तो पहली बात पैरेलल में एक जो है आपका फील्ड वाइंडिंग है, ये जो है ये पैरेलल में है ना फील्ड वाइंडिंग, तो ये संट का काम, संट मतलब पैरेलल एक तरह से। और लॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका जो ये वाला जो कॉइल है, ठीक है, वो इसके साथ सीरीज में है, और ये देखिए जो है लॉन्ग लॉन्ग है, ठीक है, यही साइड से रहता तो फिर वो शॉर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, कहता है कि विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ओके, तो देखिए, जनरेटर के केस में जो होता है, ठीक है, जनरेटर के केस में हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका तीन का, तो ये डी ऑप्शन चल जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग्स के दाहिने हाथ का नियम। अब बात करेंगे यदि कि फ्लेमिंग्स का जो बायां हाथ नियम है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये मोटर के केस में इस्तेमाल होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो कि है क्वेश्चन नंबर चार, कहता है कि विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। कहने का मतलब है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर चार जो है गाइस, उसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कहता है कि जनरेटेड ईएमएफ इज इक्वल टू फाइ जेड एन पी डिवाइडेड बाय 68, ठीक है, वोल्ट। इसको हम लोग ऐसे जो है क्या बोलते हैं, एन पी फाइ जेड,
ठीक है, एन पी वाई जेड बाय 60 ए बोलते, ठीक है, ये हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ, ठीक है, बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर। बैक ईएमएफ निकालने के लिए जो है डीसी मोटर में कौन से सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ईबी इक्वल टू बी माइनस आई ए आर ए वोल्टेज ड्रॉप। ओके, क्या हो जाएगा ये बैक ईएमएफ निकालने के लिए जो है डीसी मोटर में कौन से सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ईबी इक्वल टू बी माइनस आई ए आर ए वोल्टेज ड्रॉप। ओके, क्या हो जाएगा ये बैक ईएमएफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, बैक ईएमएफ आपका हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज जो आप मोटर में जो वोल्टेज दे रहे हैं जो कि भी है हमारा, और फिर आई ए आर ए ड्रॉप होगा, ठीक है, ये आपका आर्मेचर में जो कॉइल होता है उसके अलोंग जो ये ड्रॉप होता है वही होता है ये आपका वोल्टेज ड्रॉप, ये इंटरनल, ठीक है, तो इंटरनल ड्रॉप जो है आई ए आर ए को आप वोल्टेज ड्रॉप जो मेन टर्मिनल वोल्टेज है उसमें घटा दीजिएगा तो ये बैक ईएमएफ आपका निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन चल गया ऑप्शन नंबर आई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्स भाग ये जो आपका पार्ट है, ठीक है, ये इसका इसके बारे में आपको बताना है कि ये है क्या, ठीक है, तो गाइस देखिए ये आपका क्या है, पोल शू है, ठीक है, पोल शू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर, जनरेटर का नाम पूछा गया है, इस फिगर को आप लोग देखिए और यहाँ पे पूछा गया है इसका नाम क्या है, तो गाइस ये क्या है आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, यहाँ पे देख लीजिए, तो फील्ड वाइंडिंग जो है देखिए इस किसी से जुड़ा है क्या, ये जो आपका मोटर वाला जो हिस्सा है ये वाला, इससे कहीं भी कनेक्टेड है क्या ये फील्ड, ये फील्ड इसके साथ देखिए यहाँ पे वायर नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो देखिए आप नहीं जुड़े, इसलिए क्या हुआ सेपरेटली एक्साइटेड जो फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग्स को सेपरेटली देखिए यहाँ डीसी जो है सोर्स से यहाँ इसको एक्साइट किया गया, इस फील्ड को अलग से एक्साइट किया गया है, इसके थ्रू नहीं किया गया है, ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, समझ गया। अगला क्वेश्चन, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर, ठीक है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, गाइस किसमें क्या आता है, मैकेनिकल में किया जाता है ना, जनरेटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर का काम क्या है बताइए, मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये आपका जनरेटर का काम है, ठीक है, ये आपका जनरेटर का काम होता है, और यदि मैं बात करूं मोटर का, तो मोटर का काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो तो किसमें बदल जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी, ये हो गया हमारा मोटर का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो हमको विद्युत ऊर्जा निकल के आता है, ये क्या कहलाएगा, जनरेटर होगा, समझिए, और मोटर के केस में हम लोग विद्युत ऊर्जा देंगे तो यांत्रिक ऊर्जा हम लोग को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम पूछा जा रहा है, तो गाइस इसका जो है नाम आपको बताना है कि डीसी फील्ड जनरेटर इसका क्या नाम है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो ये आप लोग का रह गया होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या, देखिए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर जो एक है कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है, कॉर्क स्क्रू रूल, फिर इसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देन यहाँ है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो क्या हो जाएगा इसका, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज योर राइट आंसर, समझ गए, तो जो मतलब डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, फ्लेमिंग्स के सॉरी ये आपका जो है फैराडेज के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का नियम पे कार्य करता है,
ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड मतलब गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। 11 तो गाइस इसका क्या होगा आंसर, बी एल वी साइन थीटा वोल्ट। ठीक है, बी एल वी साइन थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन 12, विच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो गाइस 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो कि है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, किसमें इस्तेमाल करते हैं, आपके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए। ठीक है, फ्लेमिंग्स के दाहिने आसन। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी पार्ट जनरेटर। अब इसका जो है आपसे पूछा जा रहा है कि ये है क्या। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, इसको कहते हैं योक, योक या फिर फ्रेम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी पैरेलल पार्ट्स इन ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ अ 4 पोल डीसी जनरेटर। कह रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर में ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 4 पोल है, ठीक है, कितना है, 4 पोल है, तो जो पैरेलल पाथ जो होंगे उसको सिंपली हम लोग 2 से गुना कर दें, जितना नंबर ऑफ पोल्स इंटू 2 कर दीजिएगा हमेशा, तो जो पोल्स है कितना है 4 और गुना 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आंसर कितना हो गया इसका, नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द पार्ट ऑफ द डीसी जनरेटर। अब इस पार्ट का आपसे, इस भाग का आपसे नाम पूछा जा रहा है, क्या है, तो क्या हो जाएगा ये, आर्मेचर कोर लेमिनेशन, आर्मेचर कोर लेमिनेशन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। कह रहा है ये डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स कैसे कनेक्टेड होते हैं या कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो गाइस कैसे जुड़े होते हैं, इन सीरीज विद आर्मेचर, सीरीज में जुड़े होते हैं किसके साथ, आर्मेचर के साथ, इन सीरीज विद आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। कहने का मतलब एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व का की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है गाइस, देखिए कि बिल्ड अप द वोल्टेज, वोल्टेज के निर्माण के लिए, वोल्टेज का के जो है निर्माण के लिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का यूज पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि What are the two points that the brush contact resistance measure in DC machine? कहने का मतलब है कि DC मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। ठीक है, तो गाइस आंसर जाएगा आपका रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। समझे, कह रहा था कि डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 2 हैं, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्क एज एक्स। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन सा वोल्टेज ड्रॉप के रूप में चिन्हित किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप हो जाएगा ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका आर्मेचर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द फील्ड शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है तो क्या कहेंगे इसको हम लोग,
शॉर्ट संट कंपाउंड, ठीक है, शॉर्ट संट कंपाउंड, लघु संट यौगिक। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड। कह रहा है कि व्हाई द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड, मतलब क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पतली है, ठीक है। डीसी जनरेटर जो होता है उसका जो आर्मेचर कोर होता है उसको लेमिनेशन किया जाता है, पतली किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो गाइज इसके पीछे ये वजह यही है कि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, भंवर धारा जो होता है हानि को कम करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज वेरी लो। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है, ठीक है। तो गाइज का आंसर जाएगा बी, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। क्यों होता है कम, ताकि जो आर्मेचर वोल्टेज है ड्रॉप को कम करने के लिए, ठीक। चलिए 22 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए, तो ऐसा क्यों होना चाहिए बताइए। टू प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिक, मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे, करने के लिए होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। डीसी जनरेटर में घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए, ठीक है, डीसी जनरेटर को, ताकि अवशिष्ट जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है उसको बचाया जा सकता है, उसको उसकी रक्षा किया जा सके, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। तो बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ण क्यों प्रदान किए जाते हैं, तो गाइस ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को ब्रेक बेअसर करने के लिए, ठीक है। आर्मेचर क्रिया जो आपका जो आर्मेचर रिएक्शंस जो होते हैं, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 25, व्हाट इज द रीजन ऑफ डीसी जनरेटर फेल टू बिल्ड अप वोल्टेज, मतलब डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण है, क्या कारण होता है विफल होने का। 25 का गाइस आंसर हो जाएगा सी, जो कि है फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, मतलब फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के ऊपर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है, क्या कहलाएगा ये, संट जनरेटर कहलाएगा, ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग इसको, संट जनरेटर। आइए अगला, अगला क्वेश्चन 27, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर, मतलब डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है। 27 का गाइस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, मतलब स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन एयर गैप, मतलब एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए जाने के लिए जो है पोल शू का दिया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो जाएगा कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, ठीक है, दैट मींस धारा को एक दिशा में एकत्र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ब्रश इन जनरेटर, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, बताइए गाइस क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ब्रश कार्बन एंड ग्रेफाइट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबक
खो देते हैं, ठीक है, क्यों लूज करते हैं अपना वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म डीसी जनरेटर्स। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है, इसलिए वो अपना अवशिष्ट चुंबक जो खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 31, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल्स इन जनरेटर। मतलब एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबक के सर्किट कैसे पूरा होता है। तो गाइस आंसर हो जाएगा आर्मेचर कोर के जरिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस इफ लोड इंक्रीजेस इन डीसी शंट जनरेटर। कहने का मतलब है कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला 33, व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका उपयोग करते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का, संचयी यौगिक जनरेटर्स। क्वेश्चन नंबर अगला 34, विच मेथड इज यूज्ड टू इंप्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हो जाएगा ब्लोइंग हॉट एयर इनटू द मशीन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देने चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका हो गया, विधि पूछा गया था, हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 35, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन एब्सेंस ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। 35 का आंसर जाएगा गाइस आप लोग का, देख लीजिए यहाँ पे सन जनरेटर है, सीरीज जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर है और सेपरेटली एक्साइटेड भी है, इसका आंसर यही लग जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड, ठीक है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के अनुपस्थिति में भी काम करता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है, क्योंकि इसका जो फील्ड वाइंडिंग है वो अलग से सेपरेटली एक्साइट किया था। मैं अभी आप लोग को फिगर भी दिखाया था, जो क्वेश्चन भी यहाँ पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 36, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो 36 आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, विभेदक यौगिक जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है, 37, ठीक है, तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा लो करंट हाई वोल्टेज। आइए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या होता है, क्या आंसर क्या होगा गाइस, देखिए यहां पे जो है ऑप्शंस पढ़ लीजिए, मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, नलिफाई स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंक्रीजिंग स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ऑप्शन नंबर अगला है डी, स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, धारा दिशा का आसानी से पलटना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, धारा दिशा को आसानी से पलटना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 39 है कि Why solid poles so are used in DC generator? DC generator में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी, जो कि हो जाएगा टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। मतलब चुंबकीय पथ में रिलक्टेंस को कम करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर अगला 40, विच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। गाइस 40 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोल्ड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर, सबसे पहले बता रहे थे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेक आउटपुट इन द यूनिट डायरेक्शन, एक दिशा में आउटपुट बनाता है, ठीक है, इस वजह से हम लोग स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्लिप रिंग अलग चीज है, याद रखिएगा, ये स्प्लिट है, SPLIT है, और मैं बता रहा था उस टाइम में स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, स्लिप जो है ये आपका होता है एसी के केस में, और स्प्लिट जो है ये डीसी है, चलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो कि है 42 नंबर, विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनेमिकली इन डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है, तो आंसर होगा गाइस इसका अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ओके अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसका आंसर हो जाएगा। अल्टरनेटिंग मैं तो आपको बोल ही रहा था ना कि जो भी डीसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर, तो उसमें जो भी वोल्टेज उत्पन्न होता है, जो भी करंट उत्पन्न होता है वो अल्टरनेटिंग ही होता है, बस वहां पे हम लोग कम्यूटेटर्स का यूज कर लेते हैं, इसकी वजह से वो हमको क्या मिल जाता है, वो जो है हमें डीसी के फॉर्म में मिलने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट मार्क्ड इन एक्स, इसका क्या उद्देश्य, ये इस तरह का क्यों बनाया जाता है, ठीक है, देखिए ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि तो फिक्स द की बेस, ठीक है, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, मतलब कि ये जो है फिक्स करने के लिए की वेज को, ठीक है, जिसपे ये आपका जो स्लॉट है, ठीक है, जिसपे ये रहेगा, जिसपे ये टिकेगा, उस पर अच्छे से ये फंस सके, ठीक है, इस वजह से ये कुंजी बनाई जाती है, चाबी एक तरह का, मतलब इस तरह का खांचा बना हुआ है इसी में, और दूसरा पार्ट इसके अंदर फिक्स होगा, घुसेगा, इसको हम लोग कुंजी कहते हैं, मतलब की वेज का। चलिए क्वेश्चन नंबर समझ गए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर, तो फील्ड कॉइल का जो है पर्पस पूछा गया है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकीय करना। अगला क्वेश्चन 45, विच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कास्ट आयरन, याद रखिएगा ढलवा लोहा, अधिकांश जितने भी मशीन मशीनरीज हैं आपके जो भी इलेक्ट्रिकल लाइक मोटर जनरेटर अल्टरनेटर जितने भी हैं थ्री फेज सिंगल फेज लगभग जो है सभी ढलवा लोहा का ही बनाया जाता है, कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच व्हाई द पोल कोर स्टैम्पिंग्स आर लेमिनेटेड इन डीसी जनरेटर, क्यों पोल कोर स्टैम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, तो 46 का आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस्ड ईडी करंट लॉस, ध्यान रखिएगा कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ये लेमिनेशन ऑफ कोर का किया जाता है, ये सिर्फ आपका इसमें नहीं ट्रांसफार्मर के केस में भी इसलिए ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में किस तरह का डीसी जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है वो पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए जो कि हो जाएगा शंट जनरेटर, ठीक है, क्वेश्चन 48, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य पूछा जा रहा है क्या होता है, आंसर हो जाएगा न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है, विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ
व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन डीसी जनरेटर। कहने का मतलब है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर जाएगा आप लोग का तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज, जनरेटर जो है वोल्टेज बनाने में विफल रह जाएगा। ठीक है, समझ गया क्यों, इसलिए क्योंकि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से भी ऊपर हो जाएगा उस केस। ठीक है, मतलब शंट फील्ड रेजिस्टेंस जो है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से भी ऊपर हो गया, वैसे में जो है वोल्टेज बिल्ड करना फेल हो जाएगा जनरेटर का, ऐसे केस में जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध का प्रभाव क्या है। 50, ऑप्शन जाएगा बी, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज, क्या होता है आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटर, चार पोल दिया हुआ है, उसके बाद फिर सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग है, तो टेंशन नहीं, आपको दो नहीं लेना है, आपको नीचे 60 ए लेना है, उसके बाद इतना कंडक्टर से 1020 है और आरपीएम इतना दिया हुआ है। ओके, देन आपको फ्लक्स जो है फाइ का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ईएमएफ का जो ईएमएफ जो जनरेटर होगा कैसे निकालेगा, फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा एन पी फाइ जेड बाय 60 ए। ठीक है, तो यहाँ पे सारे वैल्यूज को रख दीजिए और देखिए एन का मान क्या हो गया 1500, टी का मान पोल देखिए चार दिया हुआ है, फाइ का मान ये दिया हुआ है, जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर्स ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इन डाटा को रख दीजिएगा और वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 नंबर देखिए यहाँ पे है कि हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज इन लार्ज डीसी जनरेटर, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल करके हम लोग जो है आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 53, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीसी जनरेटर इफ इट इज केप्ट आइडल फॉर लॉन्ग टाइम, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रख दिया जाए। ठीक है, तो लंबे समय तक यदि बंद रखते हैं तो क्या असर होगा भाई, लॉसेस इन रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अपने अवशिष्ट चुंबक को क्या करेगा वो खो देगा। अगला क्वेश्चन 54, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर पोल डायनेमो having 1000 rpm lap winding आ गया। ठीक है, and total number of conductors 600, flux per pole is this much। ठीक है, flux per pole कितना दिया है, कितना दिया हुआ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग को बस यही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, सेम टू सेम ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है बस यहाँ क्या चेंज हो जाएगा वो बता देते हैं, क्योंकि ये देखिए लैप पोंड है ना, लैप है, तो यहाँ पे नीचे जो है ये नंबर ऑफ ए का जो मान है ये हो जाता है सिर्फ अपन दो हो जाता है। ठीक है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो हो जाएगा, इसका बता रहा है। ठीक है, एन पी फाइ जेड तो सेम टू वैसे ही रहने वाला है, नीचे हो जाता है 120 हो जाएगा, यहाँ से ए एम एफ निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, What is the effect of induced EMF if the main field flux gets distorted in DC generator? यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव DC generator से विकृत हो जाए तो प्रेरित EMF का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हो जाएगा? Induced EMF decrease है, प्रेरित EMF जो है घट जाएगा। Question number 56, What is the cause of heavy sparking in brushes in DC generator? बहुत अच्छा question है कि जो आपका डीसी जनरेटर होता है उसके ब्रशेस में बहुत हेवी स्पार्किंग करता है, उसके पीछे क्या वजह हो सकता है। तो गाइस इसका देखिए आंसर क्या है, एमएनए एंड जीएनए पोजीशन चेंज्ड। ठीक है, तो एमएनए और जीएनए जो है उसका पोजीशन यदि बदला हुआ है तो ऐसे स्थिति में स्पार्किंग बहुत ही होगा।
यहाँ पे देख लीजिए, सारे का जो है आंसर की भी यहाँ पे है, तो सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उसका आंसर की यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये जो पूरा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे ये आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा इस पीडीएफ का। तो गाइज इस तरह की जो है इंफॉर्मेशन, आई मीन जो है एडुकेशनल टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अदर टॉपिक्स आप लोग के इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिलेटेड, आईटीआई से रिलेटेड, लाइक जो भी आने वाले जो भी क्लासेस में आप लोग को मैं बताऊंगा, तो उन क्लासेस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जॉब अप्रेंटिस से रिलेटेड भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।